20 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है ये। इसमें क्या है, 30 ग्रेनेड का एक बेल्ट आता है, ये इसका क्या है, बेल्ट बॉक्स है, यानी एमिनेशन बॉक्स है। इसमें इस टाइप का क्या है, 30 ग्रेनेड का बेल्ट आता है, और इससे इसका जो रेंज है 1700 मीटर तक हम क्या है डायरेक्ट फायर भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट फायर भी कर सकते हैं। यानी कोई टारगेट किसी पहाड़ी पीछे के पीछे या किसी बिल्डिंग के पीछे है, उसके ऊपर भी हम क्या है ग्रेनेड को गिरा के उसको बर्बाद कर सकते हैं। ये इसकी क्या है साइट है, ऑप्टिकल लॉन्चर साइट बोलते हैं इसको। इसे हम क्या है एम लेके, यानी कि दुश्मन को निशाना लगा के फायर कर सकते हैं। बाकी इसको पूरा लेफ्ट राइट यहाँ से करते हैं और अप डाउन यहाँ से करते हैं। हम क्या है इसे पूरा एंगल दे के 67 डिग्री तक इसका एंगल दे के हम क्या है फायर कर सकते हैं। बाकी इसका जो ग्रेनेड है जहाँ पर भी इसका ग्रेनेड फायर होता है वहाँ गिरने के बाद क्या है वो ब्लास्ट होता है, वहाँ पे जाते हैं ब्लास्ट होने के बाद जो क्या है इसका काफ़ी एरिया को कवर करता है। वैसे इसका जो किलिंग एरिया है 7 मीटर रेडियस है, 7 मीटर चारों तरफ से एरिया को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। ये एरिया वेपन भी बोलते हैं। और क्या है मैक्सिमम रेंज जो है इसका 4500 मीटर तक इसका क्या है बुलेट जाता है। बाकी इसमें 235 नोट का क्या है बेल्ट आता है, इस प्रकार का बेल्ट होता है, 235 नोट का होता है, उसको यहाँ पर क्या किया जाता है और गन को कॉक करके फायर किया जाता है। बाकी क्या है 360 डिग्री में किसी भी आर्ट में हम गन को फायर कर सकते हैं, चारों तरफ क्या है उसको घुमा के फायर कर सकते हैं। बाकी इसका जो रेट ऑफ फायर है, अगर हम लगातार ट्रिगर को प्रेस करके रखें तो क्या है 1 मिनट के अंदर 1000 राउंड फायर कर सकती है। एंटी मटेरियल रैफल ये साउथ अफ्रीका का बना हुआ है, इसका मैगजीन है बॉक्स टाइप, इसमें 3 राउंड आते हैं। इसको मेन टास्क में जैसे बी आई या दुश्मन के बीवी कर्म पुराना जैसे कार्रवाई खड़ी गाड़ी बंकर, इसको बंकर के बंकर आप इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 टाइप के बैल आते हैं, ये एक आता है 14.5 mm का, दूसरा आता है 20 mm, 14.5 mm की बैल के साथ इसका रेंज 1800 मीटर है, और 20 mm की बैल के साथ इसका रेंज 1300 मीटर है। जो 20 mm की बैरल में एमिनेशन फायर होता है उसका एमिनेशन फटने के बाद 2.5 मीटर का एरिया कवर करता है। जो 1800 मीटर की बैरल का एमिनेशन है वो टारगेट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो साइट है इसका फील्ड ऑफ व्यू 0 डिग्री है, साइट का एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है कि 1 राउंड फायर करेंगे तो जहाँ पर भी आप एम लेते हैं उस टारगेट को बर्बाद करता है। इसके एक्यूरेसी की वजह से इस वेपन को भारतीय सेना में शामिल किया गया। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.